एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट्स होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो कैसे अपने अपने पॉइंट्स को रखते हैं और कैसे वो लोग उसको आंसर देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो जगह है, वो खाली ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की जगह नहीं होता, या फिर जो गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रहा है खाली उसके बारे में डिस्कस नहीं होता। ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन किया जाता है। तो हम लोग ऐसे टीवी चैनल्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में ऐसे पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो आज ये नया स्कीम लेके आया है, या फिर नया कोई प्लान जो है गवर्नमेंट शुरू करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको कि हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं उसको पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेज है जिसके जरिए हम लोग गवर्नमेंट के सभी प्रोग्राम और उनके सभी एक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब असेंबली में डिस्कशन हुआ एक इशू को लेके, जो कि डायरिया को लेके हो रहा था, तो डायरिया जो कि हेल्थ प्रॉब्लम में आता है, तो सभी डिस्कशन होने के बाद जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत सारे लोग उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, जो कि अलग अलग न्यूज़ चैनल से आए थे। तो उसमें बहुत सारे मिनिस्टर और बाकी के ऑफिशियल भी प्रेजेंट थे। तो जो न्यूज़पेपर वाले आए थे या फिर जो जर्नलिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने एक एक करके मिनिस्टर को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, और मिनिस्टर जो हैं उनके सभी क्वेश्चन के आंसर दिए थे। तो जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से स्टेप ले रहे हैं डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक सभी डिटेल में बोला था। तो उसी मीटिंग के बाद जो जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिए थे, उसी सभी को वो न्यूज़पेपर में छापते हैं, इधर वो टीवी चैनल्स में दिखाते हैं। तो उसको देखने के बाद हम ये जान पाते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रहे हैं, या फिर डायरिया को कंट्रोल करने के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। उसके बाद अगले हफ्ते जो चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स हैं जो कि हेल्थ मिनिस्टर से रिलेटेड होते हैं, वो लोग पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने गए थे। वो उन सभी फैमिली के घर को जाके विजिट किए थे जो कि अपने अपने रिलेटिव्स को हरा दिए थे, या फिर उनकी मौत हो गई थी उस डिजीज़ के वजह से, या फिर जो लोग कि उस डिजीज़ से पीड़ित हैं वो सभी लोगों को वो हॉस्पिटल जाके देखने गए थे। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उन सभी फैमिली के लिए कॉम्पनसेशन अनाउंस किए थे। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कुछ पैसे उनको हेल्प में देना। तो उन सभी सिचुएशन को देखने के बाद चीफ मिनिस्टर्स ये बोले कि ये जो प्रॉब्लम है वो खाली एक सैनिटेशन की वजह से नहीं है, बल्कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसके अभाव से ही भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो डायरिया खाली सैनिटेशन की वजह से नहीं होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं होता है तो उसके जरिए भी डायरिया हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बहुत ही हाई लेवल का एक इंक्वायरी कमिटी वो बिठाएंगे, जो कि ये जो सिचुएशन है उसको जाके वो लुक इनटू करेंगे, उसको इंक्वायरी करेंगे कि जो सिचुएशन है वो क्यों हुआ है। उसके बाद उसको ठीक करने के लिए सभी जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है उसको ठीक करने के लिए वो पब्लिक वर्क्स के जो लोग हैं उनको वो बोल रहे थे कि सभी लोगों का वो प्रॉपरली केयर करें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वाटर सप्लाई का, या फिर जहाँ जहाँ सैनिटेशन का ज़रूरत है वहाँ पर वो लोगों को सर्विस दे के आए। तो यहाँ पे तुम लोग देखेंगे कैसे चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले रहे थे, और इसको करने के लिए वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू उसको वो कर रहे थे। जैसे कि वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है ऐसे। तो ये जो पानी का प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, सॉरी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बोला कि कैसे उनको पीने का पानी और सैनिटेशन के लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करें। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के थ्रू ही जो गवर्नमेंट है वो काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो उसी डिपार्टमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिशियल काम करते हैं वो मिनिस्टर के ऑर्डर मिलने के बाद वो तुरंत कोई एक्शन लेते हैं। और जितने भी मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर होते हैं वो लोगों के क्वेश्चन के भी आंसर देना होता है उनको, और फिर या फिर लोगों को ये कन्विंस कराते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस वो पूछे हैं उसके लिए वो सही सही स्टेप ले रहे हैं। और उसके सेम टाइम जो न्यूज़पेपर होते हैं या फिर जो मीडिया होता है, टीवी चैनल्स होते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे इशू के ऊपर जो वाइडली डिस्कस होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर जिसके लिए गवर्नमेंट जो है उसको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ता है, ताकि जो लोग हैं उनको देख के, उनको सुन के जान पाएँ कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट जो है कोई नया लॉ भी बना सकते हैं रिगार्डिंग द सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो वो किसी भी इशू के ऊपर एक नया लॉ भी लागू कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने एक नया लॉ लागू किया और उसको कंपलसरी बनाया कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो ये इंश्योर कराएं कि एडिक्वेट टॉयलेट्स, मतलब हर एक जगह पे जो टॉयलेट्स हैं वो सफिशेंट होने चाहिए, मतलब हर एक घर में टॉयलेट्स होने ही चाहिए, उसको उन्होंने कंपलसरी बनाया और एक नया लॉ लागू किया। उसके बाद एक हेल्थ वर्कर जो कि हर एक गांव में अपॉइंट किया जाएगा, जो कि जो विलेज में सभी के घर घर का जो हेल्थ कंडीशन है या फिर जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है वो प्रॉपर है कि नहीं वो देखने का काम होगा उस हेल्थ वर्कर का। तो जो नया लॉ लागू होता है वो करने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होता है, तो कोई भी नया लॉ बनता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सभी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मिलकर बनाते हैं। उसके बाद जब नया लॉ बनता है तो उसी लॉ को काम पे लागू कराते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बोला गया तो उसी डिपार्टमेंट के लोग उसी लॉ को लागू करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपुल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो डेमोक्रेसी में ये लोग ही होते हैं, पीपुल ही होते हैं, जो कि किसी भी पर्सन को वो MLA के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सो पीपुल जो होते हैं वही मेन अथॉरिटी होते हैं। अगर वो उनको किसी MLA का काम पसंद नहीं आता है तो 5 ईयर्स के बाद वो लोग उनके MLA को वो बदल सकते हैं या फिर किसी दूसरे MLA को वो वोट दे सकते हैं। जो अथॉरिटी होते हैं या फिर जो मिनिस्टर चूज करने का जो पावर होता है वो लोगों के हाथों में ही रहता है। तो जिन मिनिस्टर्स को हम लोग वोट देके उनको जिताते हैं उन्हीं मिनिस्टर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज में रहते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर है वो हेल्थ के इंचार्ज में रहते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वो एजुकेशन के इंचार्ज में रहते हैं। तो जो कोई भी काम डिपार्टमेंट करता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव होके आता है, मतलब कोई अगर काम नया काम शुरू करना हो तो सबसे पहले उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव करना होता है, उसको पास कराना होता है, उसके बाद ही वो हर एक डिपार्टमेंट में जाके पहुंचता है और उसको काम में लागू किया जाता है। जैसे कि जो हेल्थ के ऊपर नया लॉ लागू किया गया कि हर एक गाँव में एक टॉयलेट्स जो है कंपल्सरी होगा, तो ये एक लॉ सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया गया, उसको वहाँ से अप्रूव मतलब पास कराया गया, उसके बाद उसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भेजा गया कि हर एक एरिया में एक टॉयलेट्स हो। तो जो म्यूनसिपालिटी है वो मिलके जो डिपार्टमेंट है वो हर एक एरिया में टॉयलेट बनाना उनका काम है। तो ये था लेजिस्लेटिव असेंबली और वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं उसके बारे में था। अभी देखते हैं वाल पेपर प्रोजेक्ट। तो वॉलपेपर एक ऐसा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिससे थ्रू हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक जिससे कि हम लोग को इंटरेस्ट होता है या रुचि होता है उसके ऊपर कोई भी रिसर्च करना हो तो हम लोग वॉलपेपर के थ्रू कर सकते हैं। तो देखो वॉलपेपर कैसा होता है, उसका पिक्चर जो है बुक में दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और उनको ऐसे अलग अलग काम दे दिया गया है, ऐसे चीज़ों को कलेक्ट करके।